नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम फिर हाजिर हैं आप लोगों की सेवा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल्थी की दाल के बारे में। दोस्तों कुल्थी की दाल एक ऐसी दाल है जिसे दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। जी हाँ, साउथ इंडिया में इसे अंकुरित करके खाया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि यह एक ऐसी दाल है जिसको खाने के बहुत सारे लाजवाब फ़ायदे होते हैं। आयुर्वेद का यह मानना है कि कुल्थी की जो दाल होती है इसकी तासीर गर्म होती है, यह हल्के तीखे स्वाद वाली होती है। कुल्थी के दानों में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। यह दाल पचने में आसान होती है, शरीर में पित्त और खून को बढ़ाती है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार यह स्वास्थ्यवर्धक दाल मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ इसके कुछ मेन मेन फायदों के बारे में। तो कुल्थी की जो दाल होती है इसको खाने से किडनी स्टोन टूटकर छोटी हो जाती है, जिससे यह पथरी आसानी के से मूत्राशय में पहुंच जाती है और वहां से पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए गुर्दे में पथरी होने पर कुल्थी की दाल को खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पीरियड की अनियमितता को दूर करने के लिए भी यह फायदेमंद होती है। दोस्तों जिन स्त्रियों को पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर अनियमित माहवारी होती है तो उनके लिए भी यह फायदेमंद है। इसमें ज़्यादा आयरन होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है और शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। इसके अलावा इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे क्या फ़ायदा है कि आपको कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके सेवन से पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और कब्ज से मुक्ति मिलेगी। डायबिटीज़ में भी यह फायदेमंद है। कुल्थी का सेवन करने से डायबिटीज़ के मरीजों को लाभ मिलता है। इसके नियमित रूप से खाने पर बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल नॉर्मल बन जाता है। कुल्थी की दाल सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, अस्थमा और जकड़न जैसी समस्याओं से आराम दिलाती है। थोड़े से पानी में कुल्थी की दाल को उबालना है और इस पानी को पीना है। इससे बुखार को कम करने में काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा इसके सेवन से फालतू की चर्बी कम होती है, यह शरीर से मोटापे को ख़त्म करता है। इसमें फाइबर और प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो वजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा रोज़ाना कुल्थी का सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, इससे पेट में इन्फेक्शन और एसिडिटी होने का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि इसको कैसे खाना चाहिए और इसे खाने का क्या तरीका है। दोस्तों कुल्थी को रात भर के लिए पानी में भिगोएं, फिर सुबह इस साफ पानी से इसको धो लें, फिर इसे कुकर में आपको पकाना है। इसके बाद आप इसकी सब्जी या सूप बनाकर इसको खा सकते हैं। आप चाहे तो इसको अंकुरित करके भी खा सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब दोस्तों एक खास सावधानी जो कि इस दाल के बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों कुल्थी की जो दाल होती है इसका सेवन गर्भवती महिलाओं, टीबी के मरीजों और वजन बढ़ाने की जो लोग चाहत रखते हैं इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप गर्भवती है या टीबी के मरीज हैं या वजन बढ़ाने की चाहत रखते हैं तो आप ऐसे लोगों को कुल्थी की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक सावधानी इस दाल के बारे में। तो ये थी मेरी अच्छी वीडियो जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।